महिला है। मैंने और मैं पांचवी क्लास में पढ़ती हूँ और आज मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक के एक चैप्टर के बेलोल के बारे में बताने वाली हूँ। तो मतलब बेलोल एक शेफ था और उसकी मालकिन का नाम राइटर था। राइटर बेलोल को बहुत करीब से जानती थी और राइटर सिर्फ उसे ही रखती थी शेफ को, और किसको भी शेफ में नहीं रखती थी। और उसकी एक बात ये भी थी कि वो सिर्फ बेलोल को रखती थी और उसको उसका खाना ही अच्छा लगता। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मतलब शेफ जो थी उसने कॉल की और अपने बिजनेस के बारे में एक मतलब लोगों को बुलाया और उन्होंने उनको कहा ठीक है हम आ जाएंगे, क्योंकि उनका बड़ा ही बिजनेस नया चल रहा था। तो फिर उस दूसरे दिन क्या हुआ कि वो आए और उन्होंने अपने बिजनेस काम स्टार्ट कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सब कुछ काम हो गया, फिर उनके बाद फिर उस राइटर ने उन मेहमानों को कहा कि तुम लोग कुछ खा के भी चले जाओ। जैसे हम करते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ कि जैसे हमारे घर भी ऐसा ही होता है कि जैसे कोई आता है मेहमान तो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ते, खाना दे के ही फिर छोड़ते हैं। तो बेलोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर गई राइटर भाग के बेलोल को कहने, बेलोल कुछ खाने का है या नहीं। फिर बेलोल ने कहा नहीं आज तो कुछ नहीं है, वैसे कल का भी मैं लाने वाला हूँ। तो फिर शेफ ने कहा वो जो पुराना बॉक्स पड़ा है एक मंथ का, तो तुम उसे डाल दो। अगर मुर्गियों को तुमने दिया और मुर्गियाँ मर गईं तो मतलब के वो खाना एक्सपायर है, अगर वो नहीं मरी तो समझो ये खाना सही है। तो फिर उसने जल्दी से मतलब मुर्गियों को दी और आया, उसने खाना बनाया और सीधा शेफ मतलब सर्व कर दिया। फिर उन्होंने खाना स्टार्ट किया, फिर राइटर ने कहा कि क्या तुमने मुर्गियों को देखा। फिर उसने भाग के गए मुर्गियों को देखे, मुर्गियाँ तो मर गई। फिर वो आया भाग के राइटर को बोलने, तो राइटर ने उसे बहुत डांटा और उसने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरी वहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं उसे कैसे बताऊँ। तो उसने उसको बुला कहा, उसको डांटा और फिर वो गई और उसने मेहमानों को कहा आप जाओ वॉशरूम में और जाके उल्टी कर दो। तो वो गए और उल्टी करके उसने ये भी कहा मेहमानों ने तो आपने हमें एक्सपायर खाना कैसे खिलाया। फिर वो लोग चले गए तो फिर उसको बहुत शर्मिंदा महसूस हुई और फिर वो बेलोल के पास गई। बेलोल उसने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा मैं भूल गया, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो क्यों नहीं सुनी। उसने कहा चलो मुझे बताओ। तो बेलोल ने कहा बेलोल ने कहा कि मुर्गियाँ मरी थी फॉक्स की वजह से, वो एक्सपायर खाना नहीं था।